जय हिंद प्यारे मित्रों, आपके लिए एक और भर्ती लेकर आ चुके हैं जो कि स्पोर्ट्स कोटे वालों के लिए है। जी हाँ दोस्तों, स्पोर्ट्स कोटा और जो रिलेशनशिप वाले हैं वही इस भर्ती को देख सकते हैं। ऑल इंडिया के लिए है, अलग अलग शेड्यूल यहाँ पर जारी किया गया है। रही बात भर्ती की ग्राउंड की, तो उसकी जानकारी हम बाद में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर कौन कौन से स्टेट के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात कर ली जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर 23 नंबर से आपकी जो रैली है वो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश की होने वाली है। जिसमें पोस्ट की बात कर जाए तो 16 GD, 16 टेक्निकल और 16 ट्रेडमैन 10th पास की भर्ती निकल कर सामने आ रही है। यहाँ पर बात कर जाए तो नेक्स्ट में यहाँ पर 24 नंबर को आपकी होने वाली है अरुणाचल प्रदेश की, असम की, त्रिपुरा की, मणिपुर की, मेघालय की, मिजोरम की और नागालैंड एंड सिक्किम की, ठीक है। और पोस्ट वही रहने वाली है आपकी SSC जनरल ड्यूटी, जो भी है सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर ट्रेडमैन की भर्ती होने वाली है। अब बाकी सब में वही भर्ती रहेगी, ठीक है। अब बात कर ली जाए तो तीसरा नंबर पर डे 3 में तो यहाँ पर 25 नंबर को आपकी भर्ती की जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है और मेडिकल टेस्ट होने वाले है जो कि 25 नंबर से होंगे, जितने भी राज्य ऊपर में दिए गए हैं उनके, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल बात कर जाए तो 26 नवंबर की आपकी भर्ती महाराष्ट्र की चलने वाली है, ठीक है। महाराष्ट्र की जो भर्ती है वो 26 नवंबर से होने वाली है। यहाँ पर बात कर जाए तो 27 नवंबर को आपको MP की दिखेगी, MP में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश की भर्ती जो कि आपकी चलने वाली है। यहाँ पर बात कर ली जाए तो 27 नवंबर को आपको मध्य प्रदेश की दिखेगी, 26 नवंबर की महाराष्ट्र की, सॉरी दोस्तों 26 नवंबर को वो आपको महाराष्ट्र की दिखेगी। यहाँ पर बात कर ली जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर गुजरात की, ठीक है, 28 नवंबर को। 29 नवंबर की बात कर ली जाए तो संडे है, उस दिन आपकी हॉलीडे रहने वाली है। और आगे बात करते हैं हॉलीडे के बाद, अब बात कर लेते हैं 30 की बात कर ली जाए। 30 तारीख को आपकी जो भर्ती है वो राजस्थान की होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 30 तारीख की आपकी भर्ती है राजस्थान में देखने को मिलेगी। और आगे बात कर ली जाए तो हरियाणा की भर्ती, यहाँ पर हमने राजस्थान की बात कर लिया, अब बात करते हैं हरियाणा की। तो 1 दिसंबर से आपके हरियाणा की भर्ती चलने वाली है। इसके बाद आपकी जो 2 दिसंबर की है उस दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, साथ में आपकी मेडिकल टेस्ट ली जाएगी। यहाँ पर बात कर ली जाए तो अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या दिया गया। तो यहाँ पर जो 3 दिसंबर से तो आपकी पंजाब और दिल्ली की चलेगी 3 दिसंबर को, ठीक है। अब बात कर जाए तो 4 दिसंबर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बिहार है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ठीक है। लगभग यहाँ पर देख सकते हैं आप 5 राज्यों की जो स्टेट की भर्ती वो एक दिन में करवाई जाएगी जो कि 4 दिसंबर को होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल यार रिलेशन भर्ती है, ठीक है, और आपकी जो स्पोर्ट्स है वो भर्ती देखने को मिलेगी। अब बात कर जाए तो 5 दिसंबर की बात कर जाए तो आपको जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होने वाली है और मेडिकल टेस्ट होने वाली है, ठीक है। और बात कर ली जाए तो अब बात करते हैं तो यहाँ पर 8 दिसंबर की आपकी संडे होगी, ठीक है, हॉलीडे रहेगी। अब बात कर ली जाए तो अब बात कर लेते हैं 7 दिसंबर को कौन कौन से राज्यों की भर्ती देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरला और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर गोवा एन पांडुचेरी जो भी है, ठीक है, दिया गया है जो भी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 7 दिसंबर को होगी। अब बात कर ली जाए तो लास्ट में यहाँ पर देख सकते हैं आप दिया गया है कि जो 8 दिसंबर को है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और चंडीगढ़ की भर्ती देखने को आपको मिलने वाली है। यहाँ पर बात कर ली जाए तो अब बात कर लेते हैं लास्ट डे, तो यहाँ पर 9 दिसंबर को आपको दादर नगर हवेली और दमन द्वीप और जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है, आइसलैंड एंड लक्षद्वीप जो भी है, ठीक है, वहाँ की भर्ती देखने को मिलेगी। यहाँ पर बात कर जाए तो स्पोर्ट्स कैंडिडेट के लिए यहाँ पर स्पेशल डे रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीनिंग होगी, आपकी जो स्पोर्ट्स है उसकी स्क्रीनिंग ली जाएगी, ठीक है, आपका जज्बा चेक किया जाएगा, ठीक है, जो भी है स्पोर्ट्स, ठीक है। अब बात कर ली जाए तो स्पोर्ट्स कोटा की एक बार और बात कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है।
अभी यार इसका कोई ग्राउंड सेलेक्शन नहीं हुआ है, जैसे भी आपको हमको इंफॉर्मेशन मिलती है आपको प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों, ठीक है। आप बात कर लीजिए तो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। स्पोर्ट्स कैंडिडेट ओपन, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक, ठीक है, आपकी लिस्ट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स फॉर टूर्नामेंट एट अस अप्रोक्सी, मतलब आपका जो स्पोर्ट्स कोटा वालों हैं उनका ट्रायल देखा जाएगा, ठीक है, जो कि 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाली है, ठीक है। अब बात कर जाए तो 13 दिसंबर को यहाँ पर संडे रहेगी, ठीक है। अब बात कर जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 14 दिसंबर को ऑल स्पोर्ट्समैन स्क्रीनिंग, ठीक है, सभी स्पोर्ट्समैन की स्क्रीनिंग की जाएगी। अब बात कर ली जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 15 दिसंबर को सभी जितने भी भर्ती है वो सभी स्टेट के भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि सोल्जर क्लर्क और सोल्जर स्टोरकीपर जो भी है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, और लास्ट में आपका जो 16 दिसंबर को है, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस भर्ती के बारे में आपको क्या कहना है, ठीक है, बिल्कुल नीचे कॉमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको डाउट लगता है कुछ डाउट तो बिल्कुल हमसे शेयर कीजिए। बात कर लिया तो घर ग्राउंड की बात कर लिया तो ग्राउंड अभी कन्फर्म डिटेल अपने को नहीं मिली है दोस्तों, ठीक है। ग्राउंड की जानकारी जैसे ही हमको प्रोवाइड होती है हम आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। और कहाँ चलने वाली भर्ती उसके बारे में भी आपको जानकारी हम प्रोवाइड करवा देंगे। नीचे दिए गए स्पेशल सन ऑफ ब्रदर्स एंड मैकेनिक इन्फेंट्री देख सकते हैं आप, मैकेनिकल जो भी है मैकेनिकल इन्फेंट्री रेजिमेंट विल ओनली बी मेंट फॉर इनमेंट द सोल्जर क्लर्क एंड सोल्जर स्टोर कीपर, मतलब मात्र वन उसी रेजिमेंट के जो सन हैं और ब्रदर्स हैं जो एक्स सर्विसमैन है या फिर सर्विसमैन है उनके ब्रदर या सन है, ठीक है, उन्हीं को भर्ती देखने को मिलेगी सोल्जर स्टोर कीपर और सोल्जर जो भी यहाँ पर क्लर्क की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।